आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब एक क्वेश्चन हमें कहता है कि 19.5 ग्राम्स ऑफ CH2FCOOH is dissolved in 500 grams of water. The depression in the freezing point of water is observed to be 1 degree Celsius. हमें कैलकुलेट करना है वेंट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कॉन्सेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या था। हमें गिवन था वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे मैं W2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और वो था 19.5 ग्राम्स। ठीक है, मेरे को गिवन था वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसे मैं W1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो है 500 ग्राम्स। और मेरे को क्या गिवन था, मेरे को गिवन था ये कि मेरे पास जो डेल्टा TF है वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो, हम ये कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं CH2FCOOH की, सबसे पहले तो हम इसका मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। तो ये आएगा, देखो, CH2 का कितना होता है 14, फ्लोरीन का कितना होता है मेरे पास 19, और COOH के पूरे ग्रुप का कितना होता है 45। तो ये मेरे पास आता है कितना, इक्वल टू 78 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को ये पता है कि जो डेल्टा TF है मेरे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है आई इंटू KF इंटू किसके, मोलैलिटी के। और मेरे को पता है कि जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, मोलैलिटी मेरे पास होती है वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि W2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किसके, मास ऑफ द सॉल्वेंट के W1, और ये स्टैंडर्ड्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू कौन कौन सी पता है, हमें डेल्टा TF की वैल्यू पता है। ठीक है, हमें I की वैल्यू नहीं पता, यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें KF की वैल्यू भी पता है कि KF जो है वो मेरे पास कितना है, यहाँ पर 1.86 केल्विन KG पर मोल। ठीक है, तो मेरे पास KF की वैल्यू भी है, मेरे पास W2 मॉलिकुलर वेट ऑफ 2, W1 सब है। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, जब मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो देखो क्या आता है, डेल्टा टी है 1.0 है, आई मेरे को नहीं पता, KF मेरा 1.86 है, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूट मेरे को कितना गिवन था 19.5 ग्राम्स इंटू 1000। मॉलिकुलर वेट हमने कैलकुलेट किया अभी, फ्लोरोएसिटिक एसिड का होता 78 मल्टीप्लाइड बाय मेरे को मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना गिवन है 500 ग्राम्स। ठीक है, तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ मैं, तो मेरे पास आई की वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाय 0.93, यानी कि 1.0753। ठीक है, तो ये तो मेरे पास वेंट ऑफ फैक्टर था, तो वेंट ऑफ फैक्टर मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है KA के लिए। देखो, ये मेरे पास फ्लोरोएसिटिक एसिड था CH2FCOOH, अब ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट होगा किस में, CH2FCOO- प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगी इनिशियल मोल्स के बारे में, ठीक है, तो मेरे पास CH2FCOH के इनिशियल मोल्स पहले थे 1, और ये तो तब बना भी नहीं था, तो ये थे 0। अब मैं फाइनल सिचुएशन की बात करती हूँ, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स की बात करती हूँ, तो ये मेरे पास यूज हो गया कुछ अमाउंट, जिसे मैं अल्फा बोल देती हूँ, 1 - अल्फा, और जितना ये मेरे पास यूज हुआ उतना ही ये मेरे पास बने, मीन्स अल्फा ही मेरे पास ये वाला आयन बना और अल्फा ही मेरे पास H पॉजिटिव आयन बना, राइट। तो इट मीन्स कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, ये इक्वल है 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा के, तो ये कितना हो गया 1 + अल्फा। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि जो मेरे पास
वैंट ऑफ फैक्टर है वो मेरे पास इक्वल होता है किसके, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 के, और वो हमने अभी कैलकुलेट किया आई की वैल्यू यहाँ पर. तो यहाँ पर मेरे पास आई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.0753, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा. तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आया, 1.07533 - 1, ये आया मेरे पास 0.7533. ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया अल्फ़ा की वैल्यू भी. ठीक है, अब मेरे पास जो के ए है वो क्या आएगा, सी टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, राइट. और जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म सी थी वो क्या थी, मोलालिटी. तो हम मोलालिटी को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे. तो ये मोलालिटी मेरे पास कितनी आती है, मेरे पास मोलालिटी आती है 0.5 इंटू अल्फा का स्क्वायर. अल्फा का स्क्वायर मीन 0.7533 का स्क्वायर. और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आती है 2.835 इंटू 10 to the power -3. ठीक है, तो ये थी मेरे पास के ए की वैल्यू और वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, ये रही जो हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी दोनों. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.